यमी और टेस्टी रेसिपीज़ के लिए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए हमारी आगे आने वाली सभी रेसिपीज़ की जानकारी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, यमी फूड किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपनी किचन में बनाएंगे सिरके वाले प्याज। सिरके वाले प्याज अब हम घर में भी आसानी से बना सकते हैं, इसके लिए हमें रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम सिरके वाले प्याज बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने छील कर धोकर साफ़ कर लिया है। वैसे तो मैंने बेबी साइज़ प्याज लिए हैं, लेकिन कुछ एक प्याज बड़े भी हैं तो उसके मैंने बीच में ऐसे कट लगा लिया है। ज़्यादा छोटे प्याज को हमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक ये जार लिया जिसमें हम प्याज डालेंगे, इसे मैंने पहले से अच्छे से साफ़ करके रख लिया। अब हम इस जार के अंदर लौंग और दालचीनी डालेंगे, इससे हमारे प्याज का फ्लेवर बढ़ेगा। और अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, एक बार में हम आधे प्याज डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्ची से भी प्याज के अंदर मिर्ची का थोड़ा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो इसकी जगह आप काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब बाकी बचे हुए प्याज भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है, अगर हम बेबी साइज़ प्याज लेते हैं तो हमें कट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा साइज़ बड़ा है तो हमें कट लगाना पड़ेगा। ये मैंने आधा बीटरूट लिया है, इसके भी छोटे छोटे पीसेस काट कर हम इसमें डाल देंगे, इससे हमारे प्याज का कलर बहुत अच्छा आएगा। ये मैंने पानी लिया है, ये मैंने पहले इसे उबाल कर ठंडा कर लिया। और ये हमने सिरका लिया है, जितना हम सिरका लेंगे उतना ही हमें पानी लेना है, पर इस बात का ध्यान रखना है इसमें हमें उबला हुआ ही पानी लेना है। अब ये दोनों चीज़ें हम इस जार के अंदर डाल देंगे, उबाल कर पानी को बिल्कुल ठंडा कर लेना है, तभी डालना है इसके अंदर। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे और थोड़ा नमक डालेंगे। चीनी और नमक डालने से हमारे प्याज के अंदर जो सिरके का तीखा फ्लेवर होगा वो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। अब हम इसको कवर करके ओवरनाइट रख देंगे। पूरी रात रखने के बाद आप देख सकते हैं कलर तो बहुत अच्छा आया ही है, साथ में हमारे ये प्याज भी बनकर तैयार हो चुके हैं। हम एक बार में इतने ही प्याज बनाएंगे कि हमें 4 से 5 दिन चल जाएं। बहुत ज़्यादा प्याज एक बार में बनाकर नहीं रखेंगे। आप देख सकते हैं हमारे प्याज का कलर कितना अच्छा है और ये बनकर तैयार हो चुके हैं खाने के लिए। मैंने सिरका और पानी थोड़ा और लिया था क्योंकि मुझे ये कम लग रहा था, लेकिन टोटल में ही ये हमें 1 कप सिरका और 1 कप पानी लगा है। हमारे ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सिरके वाले प्याज बनकर तैयार हैं। आप हमारी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।